गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश, वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित हूँ। इस समय जो कि कोरोना काल के नाम से हम जानते हैं, एक वीडियो श्रृंखला बनाई जा रही है जिससे कि विद्यार्थी घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से पढ़ सके, कुछ जान सके। तो जो इसी श्रृंखला में जो आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य विषय को चुना है। उसमें पेपर फर्स्ट में जो आज की जो पोएम है उसका शीर्षक है टू हिज कोई मिस्ट्रेस। कोई मीन्स शर्मिली, मिस्ट्रेस हियर मीन्स बीलव्ड, अपनी प्रेमिका जो कि शर्मा उसके संबोधित करते हुए जो पोएम लिखी गई है, उसको पोएम जो लिखी उस कवि का नाम है एंड्रू मार्वेल। और इस वीडियो में हम इस पोएम के एक्सप्लेनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। एक्सप्लेनेशन यानी सहप्रसंग व्याख्या। तो सबसे पहले हमें कवि के बारे में जानना जरूरी है, तो हम कवि की बात करते हैं। जो एंड्रू मार्वेल है उसका जन्म 1621 में हुआ और डेथ 1678 में, यानी कि इस काल को हम देखें तो हमें पता चलेगा इस दौरान हमारे कई कवि जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए, जिनमें जॉन मिल्टन है उसका काल माना जाता है। तो उस दौरान इस कवि ने अपनी एक्टिविटी कवि के रूप में की। और इस कवि की जो पहचान है वो वही है जो जो जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट की है, यानी एक मेटाफिजिकल कवि है। मेटाफिजिकल कवि उनको कहते हैं जिनकी कविताओं में विट और इमोशन दोनों का इस्तेमाल है, लेकिन आखिर में जीत विट की होती है, यानी इंटेलिजेंस की होती है। तो ये मेटाफिजिकल है। इसके कई और भी फीचर है मेटाफिजिकल कवि के, जब हम जॉन डन पढ़ा हमने उस दौरान हमने देखा था, यानी ऐसी चीजों की तुलना करना जिनमें समानता कम और असमानता ज्यादा होती है। एक सेटरिस्ट भी रहा है, व्यंग्यकार, पार्लियामेंटेरियन यानी कि संसद सदस्य भी रहा है, और अपने गीतों के लिए जाना जाता है जिसमें उसने अपनी जबरदस्त प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उस प्रतिभा में चार्म है, ग्रेस है, आकर्षण है, सब कुछ है। और इसका जो जुड़ाव है यानी इसकी रचनाओं के कारण इसको हम जोड़ते एसोसिएट करते हैं जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट से। और जॉन मिल्टन का जैसे कि मैंने बताया ये कलीग यानी फ्रेंड रहा है। और इसकी जो पोएम की जो टोन है वो बहुत ही ब्राइट, ह्यूमरस, टॉलरेंट और सिविलाइजेशन सभ्य भाषा में बात ये ज्यादा करता है। तो एंड्रू मार्वेल बहुत ही पॉपुलर तो नहीं कह सकते, इतना पॉपुलर कि जैसे जॉन मिल्टन और शेक्सपियर है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई इसको नहीं जानता हो, बहुत ही अच्छा कवि माना जाता है। अब हम आते हैं अपने पोएम के बारे में, जिस पोएम को हम पढ़ रहे हैं। इस पोएम का शीर्षक है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। क्वाय का मतलब होता है साई, शर्मिली। ये जो पोएम है ये इज ए कार्पे डीएम पोएम। कार्पे डीएम एक लेटिन भाषा का फ्रेज है जिसकी पहला इस्तेमाल रोमन कवि होरेस ने किया था। उसका कार्पे डीएम यानी लेटिन भाषा का शब्द हो गया। इसका इंग्लिश में या हिंदी में मीनिंग ये है प्लक द डे, यानी जो आपके पास अवसर है सीज द डे, यानी उस अवसर का फायदा उठाओ, यानी कि मौके को मत गवाओ। अगर आपको कोई मौका मिला है तो उसका आपको पूर्णतया इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें जो पोएम में जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसको हम ये मान सकते हैं, अगर पूरी व्याख्या करें ध्यान से देखें तो मान लीजिए कवि खुद ही है, एंड्रू मार्वेल खुद है। और सिचुएशन क्या है कि वो अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहा है। प्रेमिका जो है वो प्यूरिटन सोच की है, वो फिजिकल रिलेशनशिप में विश्वास नहीं करती, कुछ उसकी रिजर्वेशंस हैं या कह लीजिए कुछ उसकी मान्यताएं हैं।
तो कवि जो है यानी जो प्रेमी है, जो वक्ता है इस पोएम का, वो अपने प्रेमिका को कन्विंस करने के लिए एक के बाद एक तर्क दे रहा है कि उन्हें अवसर का फायदा उठाना चाहिए और फिजिकल रिलेशन करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए जब तक वो युवा और सुंदर है, अन्यथा उसका बहुत बड़ा उनको नुकसान सहन करना पड़ेगा। तो यानी कि द पोएट और द स्पीकर ऑफ द पोएम इज ट्राइंग टू कन्विंस द बिलवड टू स्लीप विद हिम। तो जो पोएम को हम कह सकते हैं, ये जो पोएम जो लिखी गई है वो स्टाइल जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है उसको हम बोलते हैं सिलोगिज्म। इसमें तीन सेक्शन होते हैं, सबसे पहले इफ, यदि ये होता वो होता, ठीक है, काश ये होता वगैरह की बात होती है। फिर दूसरा सेक्शन यानी भाग होता है, सो बट से शुरू होता, बट का मतलब परंतु हकीकत ये है। और तीसरा में वो निष्कर्ष पहुंचता है, हकीकत ये है इसलिए, देर फोर इसलिए हमें ये काम कर लेना चाहिए। तो ये सिलोगिज्म पोएम सेक्शन के हिसाब से लिखी गई है। इस पोएम में जो स्पीकर है वो अपने आर्ग्यूमेंट अपने प्रेमी के सामने रखता है, कहता है उसको सॉफ्ट होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, उसको अपना एटीट्यूड जो अनिच्छा का रिलेक्टेंस अनविलिंगनेस का जो है उसको त्याग कर उसको परमिशन देनी चाहिए कि जिससे वो एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सके। दस इस प्रकार जो थीम है, जो विषय वस्तु है इस पोएम का, वो वही है जिसको हम बोलते हैं कार्पेडियम। कार्पेडियम जैसा मैंने बताया कि होरेस नाम का लेटिन कवि हुआ, बहुत प्रसिद्ध कवि है, उसने इसका पहली बार इस्तेमाल किया था। और इसका मतलब होता है सीज द अपॉर्चुनिटी, सीज को पकड़ लेना, यानी जो आपको अवसर मिला है उस अवसर को तुरंत इस्तेमाल करो, अवसर को जाने मत दो। पोएम जो है तीन भागों में बांटी गई, कह सकते तीन स्टांजा कहे। फर्स्ट में जो है वो कवि अपने स्पीकर जो भी या वक्ता जो भी है वो अपनी समस्या को समझाता है और अपने प्रेमी को फ्लैटर भी करने की कोशिश करता है। और दूसरे और तीसरे में वो अपने इस बात को एमरजेंसी की, ये जो हमें रिलेशनशिप बनाना चाहिए फिजिकल, ये बहुत ही अर्जेंट है, और वो अपने प्रेमी को कन्विंस करने के लिए सभी प्रकार की बातें करता है। यानी ये है पोएम। पोएम को अगर एक लाइन में कहें कि इसमें कवि जो है या वक्ता जो है, स्पीकर जो है, नरेटर जो भी है, वो अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहा है। प्रेमिका क्या है? प्रेमिका अनिच्छुक है सेक्सुअल रिलेशनशिप में या फिजिकल रिलेशनशिप में। वो प्रेमिका को कोशिश कर रहा है कि वो उससे की बात मान ले, इसलिए वो तर्क के ऊपर तर्क दे रहा है। यानी कि वही मेटाफिजिकल क्यों होगी कि जो भावनाएं हैं वो उसको व्यक्त किया इमोशन, और बात कहां से कर रहा है? माइंड से, आर्गुमेंट से, यानी विट इंटेलिजेंस। और आखिर में जीत किसकी होगी? इंटेलिजेंस की होगी। ये इस मेटाफिजिकल कवियों की या कविताओं की एक विशेषता होती है। तो अब हम करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। थोड़ी लंबी कॉलम है, बड़ा हो सकता है बड़ा हो जाए ये हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो, लेकिन आपको पूरा ही इसी एक ही वीडियो में देंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए, धीरे धीरे भी आप पढ़े तो पढ़ ले। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो पहला जो इसकी एक्सप्लेनेशन है टू हिज कोएम स्ट्रेस की, वो देखिए कवि कहता है, हैड वी बट वर्ल्ड एनफ एंड टाइम। हैड जो शुरू में लिखा हुआ है इसका मतलब इफ दे हैड, यदि उनके पास, यानी इफ वाला सेंटेंस, यदि यदि हमारे पास, कौन बोल रहा है? कवि बोल रहा है किसके साथ? प्रेमिका को संबोधित करते हुए। तो हमारे पास वर्ल्ड एंड मनी स्पेस, खूब ज्यादा स्पेस होता, स्थान होता और समय समय होता। दिस क्वाइनेस शर्माना, शर्मिलापन, शाइनेस, लेडी यानी उसकी प्रेमिका को समझ करता है, वर नो क्राइम, ये कोई अपराध नहीं होता। अपराध का यह नाराजगी उत्पन्न करने वाला ऑफेंस नहीं मानता, यानी कि उसको इरिटेट नहीं करता। यानी कवि क्या कहना चाहता है कि अपने प्रेमिका को कहता है कि वो जो उसकी जो शर्माना शर्मिलापन है, जिसको कि बहुत विक्टोरियन काल में बहुत एक अच्छी क्वालिटी माना जाता था, उसको अटकेर कवि कह रहा है कि ये उसके लिए एक इरिटेशन उत्पन्न करने वाला ही उसकी इसकी फीचर बन गई है, रिएक्शन उसका बन गया है, और वो इसको अपराध की श्रेणी में मानता है। हाँ, वो इसको अपराध नहीं मानता अगर उनके पास बहुत सारा स्थान, यानी कोई लिमिट नहीं होती, कहीं भी जा सकते थे वो,
और बहुत सारा समय होता तो वो इसको ऑफेंस नहीं मानता। तो क्या करते हैं, खूब समय होता है, स्थान होता तो कहता वी वुड सिट डाउन, तो हम बैठ जाते एंड थिंक विच वे टू वॉक, बैठकर आराम से चिंतन करते चलो किस साइड में चलना है, विजिट करके आना है, एंड पास आवर लॉन्ग लव्स डे, और हमारी जो अफेयर का जो समय है, प्रेमिक प्रेम का समय, वो किधर जाकर हमें बिताना है। आराम से हम डिसीजन ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उस सिचुएशन में उनके पास खूब सारा समय और स्थान होता। दाओ बाय द इंडियन गंगेज साइड, और तुम चाहती तो तुम सोचती भाई मैं तो इंडिया में जाऊंगी और वहां पर गंगा नदी के किनारे घूमूंगी, तो जा सकती थी। सुडेस्ट रूबीज फाइंड, और वहां पर तुम रूबी, एक प्रीशियस स्टोन है, उसको पाती। एंड आई एंड कवि बाय द टाइड एंड लहर ऑफ हम्बर, हम्बर नदी है, रिवर इन द नॉर्थ इंग्लैंड, मैं वहां पर घूमता और शिकायत करता रहता, कंप्लेन की शिकायत भरे दर्द भरे नगमे यानी गाने गाते रहता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके पास खूब समय होता और खूब होता। आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड, फ्लड का यहाँ पर देखिए मीनिंग भी दिया हुआ है, फ्लड का मतलब है बाढ़, बाढ़ यहाँ पर उस बाढ़ से संबंधित है जिसमें प्रलय आती है, तो मैं जो तुम्हें जो बाढ़ आती यानी कि प्रलय आने से, डूम्सडे आने से 10 साल पहले प्रेम करता, एंड यू वुड यू शुड इफ यू प्लीज, अगर तुम्हें अच्छा लगता रिफ्यूज टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज, और तुम अगर तुम्हें अच्छा लगता तुम मना कर सकती थी, कन्वर्जन माने परिवर्तन होना, जीवन यहूदी जब तक सारे यहूदी क्रिश्चियन नहीं बन जाए तब तक तुम ये मना कर सकती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो कन्वर्जन तो कभी होगा नहीं, यानी डे ऑफ जजमेंट तक तुम चाहते तो तुम यानी आखिरी परले के आखिरी दिन तक तुम मना कर, मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि हमारे पास खूब सारा स्पेस और खूब सारा समय होता है। देखिए ये जो मीनिंग दिए हुए हैं नीचे, इनको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पोएम समझने में और भी आसानी होगी। अब हम आते हैं, यानी कवि ने बताया कि इफ यानी उनके पास होता तो क्या करते, अब कवि क्या कहता है देखिए अगला, माय वेजिटेबल लव शुड ग्रो, देखिए लव के आगे एडजेक्टिव लगा वेजिटेबल यानी वनस्पति, जैसे वनस्पति का साइज धीरे धीरे बढ़ता रहता है, आकार पेड़ पौधे फ्रूट ये बढ़ते रहते, उसी प्रकार उसका प्रेम भी धीरे धीरे बढ़ता रहता, और वास्टर देन एम्पायर, वास्टर बिग बिगर देन एम्पायर, साम्राज्य से भी बड़ा होता, एंड मोर स्लो, और धीरे धीरे बढ़ता क्योंकि समय की कोई दिक्कत नहीं थी, और उस सिचुएशन में एन 100 years शुड गो टू प्रेज थाइन आइज, उस सिचुएशन में वो 100 साल, देखिए हाइपरबोल का इस्तेमाल, अतिशयोक्ति का इस्तेमाल कभी करते हुए कहता है, उस सिचुएशन में जब खूब समय होता उनके पास तो वह अपनी प्रेमिका की आंखों की प्रशंसा में 100 साल लगाता, एंड ऑन दाई फोर हेड गेज, माथा के ऊपर देखने में गेज लगाता, 200 टू एडोर ईच ब्रेस्ट, और तुम्हारे सीने की ब्रेस्ट की तुलना करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, पूजा करते हुए, एडोर वर्शिप करना, पूजा करना 200 साल लगाता, बट 30,000 टू द रेस्ट, और 30,000 साल बाकी शरीर के अंगों की, माथा है, हाथ है, बाल है, सबकी तुलना में मैं यावन की प्रशंसा में लगाता, यानी हाइपरबोलिक बात, एन एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट, एन एज इवन युग, एक एक युग लगाता आपके शरीर के एक एक हिस्से की प्रशंसा करने में, क्योंकि हमारे पास समय की कोई दिक्कत नहीं होती, एंड द लास्ट एज शुड शो यूर हार्ट, और आखिरी जब युग आता उसको मैं तुम्हारे दिल की प्रशंसा में लगाता, तुम्हारे दिल की गुणों को बताता, फॉर लेडी यू डिजर्व दिस स्टेट, क्योंकि वो अपने प्रेमिका कहता है कि तुम इस प्रकार का स्टेटस, इस प्रकार का लेवल स्तर प्रशंसा का डिजर्व करती हो के लायक हो, नोर वुड आई लव एट लोअर रेट, इससे निम्न स्तर पर तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, इससे निम्न लेवल पर तो नहीं करता, यानी कि कवि कहता है अगर उसके पास समय होता तो वो
क्या करता अपनी प्रेमिका की, किस प्रकार प्रशंसा करता। तो इन लाइनों में अगर हम देखें तो कवि ने किस चीज का इस्तेमाल किया है, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना। अब हम आगे चलते हैं, यानी दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में तो हमने देखा इफ वाली बात थी, यदि ये होता, लेकिन अब कवि कहेगा हकीकत है क्या, हकीकत है क्या, यानी बट सेकंड पार्ट। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, कवि कहता है यानी प्रेमी कहता है अपने प्रेमिका को, लेकिन मैं अपने पीछे हमेशा सुन रहा हूं। टाइम्स विंग्ड चैरियट, पंखों वाला, यानी कि पंख से उड़ता है ना, जैसे आसमान में तुरंत पहुंच जाता है, तेज गति से चलने वाला चैरियट रथ, हरिंग बहुत फास्ट नजदीक, कि समय का जो रथ है वो मेरे पीछे बहुत तेज गति से आ रहा है, यानी समय बहुत तेज गति से बीत रहा है, उस चीज का मुझे एहसास हो जाता है। और योंडर ऑल बिफोर अस लाइक, यानी समय बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, ओवरटेक कर लेगा, और हमें फिर क्या मिलेगा, योंडर मन ओवर देर, मरने के बाद क्या होगा, उसके पास क्या पड़ा रहेगा, डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी। डेजर्ट्स होता है रेगिस्तान, वास्ट विशाल, इटर्निटी अनंत काल तक चलने वाला एक रेगिस्तान हमारे सामने फिर पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मरने के बाद हमारी सिचुएशन वैसी हो जाएगी, रेगिस्तान, इस रेगिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, केवल रेत ही रेत होता है, उसी प्रकार हम मरने के बाद कोई प्रेम नहीं कर पाएंगे और ये हमारी हालत ऐसी हो जाएगी। द ब्यूटी सेल नो मोर बी फाउंड, जो दाई यानी तुम्हारी जो सुंदरता है वो मरने के बाद बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, समय के बाद, यानी समय इतनी तेज गति से बीत रहा है, जल्दी ही तुम अपनी सारी सुंदरता खो दोगी। नोर इन दाई मार्बल वॉल्ट, मार्बल वॉल्ट, यहाँ पर मार्बल वॉल्ट का मतलब कब्र से है, यानी कि मार्बल ग्रेव, जो तुम्हारी कब्र बनेगी, जो मार्बल की संगमा होगी, उस कब्र में सेल साउंड बाय इकोइंग सॉन्ग, मेरे दिल की गूंजने वाले जो दिल के नगमे हैं, गीत है, वो तुम्हें सुनाई नहीं देंगे। देन वॉर्म सेल ट्राई, ट्राई का यहाँ पर मीनिंग स्पॉइल से, स्पॉइल डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, तो उस वक्त फिर नॉर्मल कीड़े तुम्हारा नष्ट कर देंगे दैट लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी, कुमारी, तुम्हारा जो कुमारी है, जो तुमने इतने लंबे समय से सुरक्षित रखा, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया, मैं मेरे को बनाने दे रही हूँ, वो कुमारी है बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और उसको कीड़े ही खाएंगे, तुम्हारे इस शरीर को कीड़े खाएंगे। एंड यूर क्वेंट ओनर, अजीब स्ट्रेंज, क्वेंट स्ट्रेंज, जो सम्मान की बात कर रहे हो, टर्न टू डस्ट, सब मिट्टी में मिल जाएगा। And into ashes all my lust, और जो मेरे अंदर जो लस्ट है, प्रेम की भावना है, सेक्स वासना, वो सब मिट्टी में राख बन जाएगी, यानी मरने के बाद मेरे अंदर भी कुछ नहीं बचेगा। देखिए ये जो लाइनें आ रही हैं बहुत ही कटाक्ष है। द ग्रेव इज ए फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, कवि कहता है यानी प्रेमी कहता है कि जो कब्र है वो बहुत ही सुंदर और एकाकी स्थान, बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब गले लगना, यहाँ पर प्रेम करना, लेकिन वहां पर कोई प्रेम नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ, पैराडॉक्स, विरोधाभास है कि प्रेमियों को मिलने के लिए एकाकी स्थान चाहिए जहां वो प्रेम कर सके, लेकिन कब्र से बढ़िया एकाकी स्थान कोई नहीं है, लेकिन कब्र में कोई प्रेम भी नहीं करता है, यानी कि हकीकत ये है। यानी पहले तो बताया यदि ये होता तो समय तो क्या करता, अब हकीकत उतार। अब तीसरा जो इसके अंदर जो बात आएगी वो यही आएगी कि कवि यही कहेगा कि क्या कर लेना चाहिए। अब यानी कि निष्कर्ष, किस निष्कर्ष पर हम पहुंचे, तो कवि कहता है नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथफुल हू, ह्यू, ह्यू मींस कलर, यानी युवा अवस्था का रंग है, तब तक तुम जवान हो, सिट्स ऑन दाई स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू, जिस प्रकार मॉर्निंग ड्यू ओस की बूंदे चमकती है सुबह की, उसी प्रकार जब तक युवा अवस्था का कलर तुम्हारे बॉडी में है, यानी जब तक तुम युवा हो। एंड व्हाइल दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर, और विलिंग मतलब इच्छुक सोल ट्रांसपायर्स, देखिए मीनिंग नीचे भी दिया हुआ है, मतलब कम टू बी नोन, टू बी रिवील्ड, मतलब प्रकट होना, सामने आना, एट एवरी पोर,
एट एवरी पोर विद इंस्टेंट हैव पैशन एंड विल, तुम्हारे एक एक छिद्र में यानी रोम रोम में तुम्हारे फिजिकल प्रेम करने की इच्छा है, एनर्जी है. नाउ लेट अस स्पोर्ट अस व्हाइल वी प्ले, तो हमें वो खेल खेलना चाहिए, यानी कि हमें प्रेम कर लेना चाहिए तब तो हम कर सकते हैं. एंड नाउ और अभी तुरंत, लाइक एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे, एमोरस विद लव बर्ड्स ऑफ प्रे, प्रे शिकार करने वाले, जैसे शिकार करने वाले जो पक्षी होते हैं अपने शिकार पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार हम प्रेम करने वाले पक्षी की तरह हमें एक दूसरे पर टूट पड़ना चाहिए. रादर एट वंस आवर टाइम डिवोर, कि इसके बजाय कि समय हमें निकल जाए, डिवोर निकल लेना, समाप्त कर देना, ईट अप कर लेना. देन लैंग्विश इन स्लो चैप्ड पावर, देखिए स्लो चैप्ड पावर का मतलब ये है, लैंग्विश मतलब लूज एनर्जी, धीरे धीरे अपना सब कुछ स्ट्रेंथ वगैरह कर दे. जो जबड़ा है किसका, उसका पावर का, वो धीरे धीरे समय का धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं मिलेगा, उसमें सिकंजे में बंद हो जाए. उससे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, लेट अस रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ, हमें हमारी सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी कर लेनी चाहिए, हमें हमारी सारी एनर्जी इकट्ठी कर लेनी चाहिए. एंड ऑल आवर स्वीटनेस अप इन टू एन बॉल, और सारी स्वीटनेस को हमें एक बॉल में, एक उसमें इकट्ठी कर लेनी चाहिए. थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, थ्रू रफ स्ट्राइव एंड संघर्ष, ये संघर्ष करना पड़ेगा और इसमें हमें सब कुछ अपना लगाना पड़ेगा. थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन के जो लोहे के दरवाजे से पहले बंद हो जाए, यानी हमारी सारी एनर्जी हमारा सब कुछ समाप्त हो जाए, उससे पहले हमें सब कुछ कर लेना चाहिए. हमें सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए इससे पहले कि हमें सब कुछ अपॉर्चुनिटी. सब कुछ उस अवसर को पूरा फायदा उठा लेना चाहिए. अब लास्ट की लाइन में कभी कहते हैं, दस दो वी कैन नॉट मेक आवर सन, मतलब इसे सूर्य को दौड़ा तो नहीं सकते, स्टैंड स्टिल मतलब उसको खड़ा तो रोक तो नहीं सकते, यानी समय को रोक तो नहीं सकते, येट वी विल मेक हिम राउंड, लेकिन उसको दौड़ा सकते. इसका क्या मतलब हुआ कि कई बार गर्म अगर धरती होगी तो हम उस पर अगर खड़े रहें तो हमें ज्यादा पीड़ा होती है, लेकिन अगर हम दौड़ कर जाए तो पीड़ा कम होती है. यानी कवि ये कहना चाहता है कि इससे हम पूरा वो तो फायदा नहीं उठा पाएंगे, लेकिन कम से कम उसका जो तकलीफ है वो कम होगी और हमारा जो प्लेजर है वो ज्यादा हमारे लिए प्राप्त करने में हम सफल हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.